हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउंस एंड दे आर ऑफ ऑल वी विल सी वॉट इज प्रोनाउन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है सो इट इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन मतलब जो नाउन के जगह पे यूज होता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं टू अवॉइड अनप्लेजेंट रिपीटेशन ऑफ द नाउन गॉट इट मतलब क्या है सी फॉर एग्जाम्पल लंडन इज अ कॉस्मोपोलिटन सिटी तो इट मतलब लंडन होता है एंड दैट इज़ अ प्रोनाउन तो हम यहाँ पे लंडन की जगह पे इट यूज़ कर रहे टू अवॉइड अनप्लेजेंट रेपिटेशन मतलब वापस, वापस वापस वही नाम यूज़ करने से अच्छा है अगर एक बार नाम यूज़ कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम हम उसे इट दे शी ही उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गॉट इट इट इज दैट सिंपल सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड अनपलेजेंट रेपिटेशन ऑफ द नाउन London is a cosmopolitan city. It is, it is in the United Kingdom. Chris and Adeline are good friends. So, Chris and Adeline ke pe they use hua Because they are two members. So, they go to school together. The poetess arrived this morning. A poetist ke jagepe pe poetist diya hai. That means it is going to be she. He nahi hoga. Poet hota to he hota. Isn't it? So, the poetess arrived this morning. She is asleep.

पर्सनल प्रोनाउन अब पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैंने बताया इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन सो इट इज़ अ प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर अ पर्सन मतलब किसी चीज़ चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं ओके पर्सनल प्रोनाउन तो नाम से ही पता चल जाता है इट रिप्रेजेंट अ पर्सन वर्ड्स लाइक आई वी यू ही शी इफ दे आर पर्सनल प्रोनाउन

लाइक फिलिंग द ब्लैंक विद द प्रॉपर प्रोनाउन तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है ऑल राइट सो दैट इज वाई दिस इट इज बीन डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स सो यू आर माई वर्स्ट एनिमी दो आर ब्यूटिफुल गेव दी सच अ ब्लो ओके सो ओनली दीज वर्ड्स आर टू बी रिमेंबर्ड एज सेकेंड पर्सन नाउ द थर्ड पर्सन रेफर्स टू अ पर्सन टू होम समथिंग इज बीन स्पोकन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बताना है जैसे पर्सनल हमारे बारे में बताया था सेकेंड पर्सन मतलब किसी के बारे में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको तो हमें बताना है एंड थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें लिखना है सो दीज आर दर्ड्स

थर्ड पर्सन है ना शी टोल्ड द प्रिंसिपल अबाउट द एक्सीडेंट सो शी डू यू नो देम देम ओके फर्स्ट हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन और सेकेंड इज गोइंग टू बी पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन इट स्टैंड फॉर अ पर्सन पोजेशन अब पोजेशन के वर्ड्स कौन से होते हैं माइन योर्स आज हिज हर देस ओके दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन नाउ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं योर व्रेस्ट is here. Where is mine? Okay, so my व्रेस्ट वॉच की जगह पे हमने क्या लिख दिया Mine लिख दिया All right. Now, his house is not as spacious as ours. ओके तो आर हाउस की जगह पे हमने क्या लिख दिया आज files आर दीज दया तो दया फाइल्स की जगह पे लिखना है के बजाय हमने क्या लिख दिया द गॉट इट सो पोजेसिव प्रोनाउन आर वेरी ईजी टू रिमेंबर मतलब हमने क्या करना है इंस्टर्ड ऑफ uh, बड़े वर्ड्स या बड़े सेंटेंस बनाने से अच्छा है कि डायरेक्टली हम उसे शॉर्ट में एक वर्ड में डिफाइन कर दें ओके नेक्स्ट द थर्ड वन इज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सो इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट सर्टन ऑब्जेक्ट्स अब ये हो गया पर्सनल पोजेस ये हो गया अब सर्टन ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें बताता है तो उसे हम डिफाइन करते हैं इन दीज वर्ड्स okay this that these those such so these are not our coat that was a wise idea those are new belt this is not a genuine matter alright so in this way demonstrative pronoun is also being shown for a certain object ओके okay, तो आपको एग्जाम में जैसे मैंने में पहले भी बताया है कि एग्जाम में आपको बताना नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन ये आपको नहीं डिफाइन करना है आपको सिर्फ आइडेंटिफाई द प्रोनाउन या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है अंडरलाइन करने के लिए आ सकता है नेक्स्ट इज इंटोरोगेटिव प्रोनाउन इट यूज टू आस्क क्वेश्चन अब इंटोरोगेटिव वर्ड से ही पता चल जाता है मतलब हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसे हम प्रोनाउन के हिसाब से कैसे लिखेंगे तो हुम विच वॉट आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन सो विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द म्यूजियम होम डू यू वॉन्ट टू मीट दिस इज वेरी ईजी वॉट इज द कलर ऑफ यूर अम्ब्रेला हु इज नाकिंग एट द डो सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब किसी को अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कैसे लिखेंगे और कौन से वर्ड से वो अप्रोप्रिएट साउंड करेगा वो हमने लिखना है या आइडेंटिफाई करना है ओके नाउ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ टू अ पर्सनल प्रोनाउन इट इज़ यूज वेन द एक्शन इनिशिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट सम ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर अब ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स हो जाते हैं मतलब खुद के बारे में हम पर्सनल प्रोनाउन बनाते हैं ओके okay, खुद के बारे में माई सेल्फ आ सेल्फ यो सेल्फ यो सेल्फ हिम सेल्फ ह सेल्फ इट्स सेल्फ देन सेल्फ अगली बात समझ में मतलब सेल्फ ये वर्ड जहां पे भी एड हो रहा है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे इन शॉर्ट ऑल राइट तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फाइंड करना है तो जहां पे भी सेल्फ ये वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सो आई हर्ट माई सेल्फ वाई प्लेइंग You may give yourself a pat on the back for your victory. Okay, so see jahan pe bhi self self aa raha hai wo sare reflexive pronoun ho jayenge Okay, she bought herself a new raincoat. The children hid themselves behind the tree. तो जहाँ पे भी self use हो रहा है children selves use हो रहा है those are reflexive pronoun. Again I am repeating ये सारे आपको naming करने नहीं है दिस इज ओनली फॉर यर अंडरस्टैंडिंग बस यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिट्वीन अ प्रोनाउन मतलब कौन से कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं वो हमने आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ओके ना नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लैक्सिव रिफ्लेक्स प्रोनाउन यूज फॉर द पर्पज ऑफ एम्फेसाइज इज अम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या वी आर सेल्फ ओपन द पैकेट एंड फाउंड इट एम टी वी एंड आर सेल्फ वॉट इट मतलब ये इसी का एलोंगेशन है रिफ्लेक्सिव का ही अलोंगेशन है देखो यहाँ पे भी सेल्फ सेल्स सेल्फ सेल्स यूज हो रहा है एंड एम्फेटेपिक में भी सेल्फ यूज हो रहा है वी आर सेल्फ ओपन द पैकेट एंड फाउंडेड एम टी यू योर सेल्फ विल हैव टू क्लियर दिस मिस द टीचर हॉर सेल्फ वॉज पजल्ट अबाउट दआर मैटर सो ये सारे जो है हमने आइडेंटिफाई आद, करने हैं सी अगेन इन द एक्सरसाइज ऑल्सो दे हैव गि अंडरलाइन द प्रोनाउन ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अंडरलाइन द प्रोनाउन तो ज़्यादा करके जो वर्कशीट्स होते हैं जो जॉब शीट्स होते हैं उसमें सिर्फ अंडरलाइन और फिल इन द ब्लैक इतना ही क्वेश्चन आता है सो इन द आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ द वीडियो आई आई विल बी पुटिंग अ क्लिप जहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रोनाउन के बारे में इनिशिएट किया जाएगा ओके सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय